जिले में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वाभिमान के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला प्रोविजन अधिकारी कार्यालय पर नायिका इवेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान एक दिन के लिए सांकेतिक अधिकारी बनाए जाने के क्रम में जिला प्रोविजन अधिकारी की कुर्सी को संभालते हुए कुमारी महविश ने कार्यालय में आए पीड़ितों से बातचीत की और उनकी फरियाद सुनी। इस दौरान कुमारी महविश द्वारा विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई और हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर नायिका इवेंट के तहत एक दिन के लिए सांकेतिक अधिकारी बनाए जाने के क्रम में कुमारी महविश ने कार्यालय के समस्त कर्मचारियों और अपनी फरियाद लेकर पहुंचे फरियादियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। नायिका इवेंट के दौरान जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, महिला कल्याण अधिकारी तुहिना दास गुप्ता, जिला समन्वयक राशि कौशिक प्रीति चतुर्वेदी और जिला प्रोविजन कार्यालय के अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नायिका इवेंट के तहत एक दिन के लिए सांकेतिक अधिकारी बनाए जाने वाली कुंवारी महविश और जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने कहा, इसके खिलाफ महिला थाना नाम और नंबर भी है जैसे कि 1090, इस पर आप अगर कंप्लेन करेंगी तो मतलब आपको कोई मतलब आपके सुराग वाले को कुछ पता नहीं चलेगा, वो अपने अंदर कार्रवाई करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी काउंसलर्स रहते हैं और पूरा केस देखा जाता है, मीडिएशन का काम करते हैं, मतलब कोर्ट से पहले का जो काम होता है वो होता है और ये तैयार हो जाए कि हाँ अभी वापस से अपनी फैमिली लाइफ सेटल करने की तैयार या अलग होने चाहे तो उसके लिए भी बिल्कुल सहायता वहाँ से प्रोवाइड की जाए और सब फ्री है। ट्रीटमेंट वगैरह मतलब जैसे कि अगर आप चाहें अपने हस्बैंड के आमने सामने आके बात करना चाहें कि मतलब आपस में कोई मामला सुलझ जाए ताकि पुलिस का केस ना हो, जैसे कुछ लोग ये भी चाहते हैं ना, तो आप ये भी कर सकते हैं। पेंशन वाला किसका था बताइए, समस्या होता है जी पेंशन भरे हैं अभी तक हमको मिला नहीं है, ऑनलाइन की ऑफलाइन मतलब यहाँ आके बनी थी नहीं यहाँ नहीं आए थे वो भरे थे मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है पहले से मिला था नहीं कब भरा गया है इनका कुछ हुआ नहीं कंप्लेन तो आप इनको एक बार वही वाला नंबर जो आपको दिया है ना कागज है आपके पास कागज तो ये है, ये और भी है अलग अलग योजना सब इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन है आप बता दीजिए भरने के लिए कहाँ भराया ये हमको नहीं पता है और सर्विस कुछ काम चाहिए कुछ काम करना क्योंकि मेरे तीन बच्चे हैं मेरे हस्बैंड आप पढ़ी हैं जी कहाँ से पढ़ी हैं लगना करवा लीजिए ठीक है आप बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आपको या बच्चों की शादी के लिए भी विधवा बच्चों के तहत के शादी विवाह के लिए भी पैसा दिया जाएगा ठीक है आपको भी अपना करा सकते हैं एज का उसमें है तो हमारे आपको अलग अलग चीज़ों बता देंगे बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग एज बनाएंगे नहीं क्या किसी में इसमें आईसी कोड गलत भरा हुआ है इसको सही करना पड़ेगा अभी सही नहीं हुआ है हम लोग आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत एक शपथ लेंगे और आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे हम संकल्प करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से बेटी और बेटा पर विभेद नहीं करेंगे तथा बेटी को शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सहभागिता एवं पालन पोषण में बेटी के समान महत्व देंगे तथा किसी भी स्थिति में लिंग लिंग चयन का भेदभाव ना ही करेंगे और ना ही बेटी की भ्रूण हत्या करेंगे
देश के उन सभी गौरवशाली बेटियों व उनके भाग्यशाली माता और पिता को जिन्होंने कम से कम एक बिटिया को कुल की रक्षा के लिए जन्म दिया उनका सम्मान करेंगे बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे असुरी तत्वों के विरुद्ध दंड हेतु अपने स्तर पर प्रयास करेंगे प्रत्येक बेटी पढ़ लिख कर समाज को आगे बढ़ाए इसका प्रयास करेंगे बेटियों के सम्मान की सुरक्षा के लिए महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए उनके सम्मान हेतु सदैव प्रयास करेंगे महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास करेंगे जी। मेरा नाम महविश फजल है। हमने बहुत सारी महिलाओं की परेशानियां सुनी हैं और देखा है कि कैसे उनको कैसे क्या क्या हुआ है उनके साथ, कब उन्होंने कंप्लेंट करी थी वगैरह, और कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकें और बहुत सारी महिलाओं को सही रास्ता दिखाएँ। जो महिलाएं आई थी फरियाद लेकर जी, ज़्यादातर किस तरह के मामले आए थे? ज़्यादातर वो पीड़ित थी अपने ससुराल वालों के दुर्व्यवहार से, ये सब ज़्यादा थे, तो हमने उनको सही रास्ता बताया कि वो कैसे इस परेशानी को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकती हैं। क्या क्या तरीके बताए गए इसके लिए? जी, हमने बताया था कि वो कैसे हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं उनका यूज़ कर सकती हैं, हमने उन्हें हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं जिसको वो कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, जिससे और जो योजनाएं हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है हमने ताकि वो उस पर वर्क कर सकें और ताकि अपनी परेशानी को दूर कर सकें। आज नायका इवेंट के तहत आपको एक दिन का जिला प्रोबेशन अधिकारी बनने का मौका मिला, कैसा लगा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पता चला कि हमारे देश में मतलब हमारे आसपास इतनी ज़्यादा परेशानी है, इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, ऐसी परेशानी है, मतलब कि हमको बहुत अच्छा लगा कि हम उनके एक पार्ट बन सकें ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या बनना चाहेंगे? जी, हम देश की सेवा करना चाहते हैं और एक अधिकारी बनना चाहते हैं। ये विभाग द्वारा नायिका अभियान के अंतर्गत ये बच्चियां जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में या किसी प्रतिभा में आगे हैं, प्रतिभा उनके अंदर हैं, उन बच्चियों को सिंबॉलिक रूप से जनपद के जो मुख्य पद हैं उन पे उनको बैठा करके उनको मतलब ये कार्यक्रम इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जिस क्रम में आज हमारे जिला प्रशासन कार्यालय में जिला प्रशासन अधिकारी के रूप में बच्ची को आज सिम्बॉलिक रूप से पद दिया गया था और ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से उस बच्ची का क्या रोल होगा? बस बच्ची का उद्देश्य यह होता है कि बच्ची को मोरल को बढ़ाना और बच्चियों को लेकर के समाज में एक मैसेज को भेजना कि बच्चियां भी हर स्तर पे सक्षम हैं और हर कार्य करने में सक्षम है, किसी भी तरीके से उनको कमज़ोर न समझा जाए या उनको ये न समझा जाए कि बच्चियाँ एक फलाह कार्य को नहीं कर सकती हैं। बच्चियाँ पूरे जोश के साथ हर कार्य को करने में सक्षम हैं, हर जगह वो बराबर की भागीदारी निभा रही हैं, इसी मैसेज को हमें समाज तक पहुँचाना है। हालाँकि समाज में हर जगह जागरूकता फैली हुई है, लेकिन अभी जो भी इस संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित हैं, जो भी परिवार व्यक्ति, उनको उस संकीर्ण विचारधारा से निकालना है, इसी उद्देश्य से हम लोग ये इवेंट, तमाम तरह के इवेंट आयोजित कर रहे हैं बच्चियों को लेकर के।